हमारी गेम कंप्लीट हो ही चुकी थी तभी ही हेलो फ्रेंड्स और कैसे हो और मैं वापिस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके यार। और आज की वीडियो का यार सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस पैलवर्ल्ड मोबाइल सीरीज की पहली वीडियो लगभग मैंने 2 महीने पहले पोस्ट की थी यार। इस पैलवर्ल्ड सीरीज के पार्ट फर्स्ट में यहाँ गेम सिर्फ पीसी के लिए अवेलेबल थी और पार्ट सेकंड में ये वाली गेम यार तुम लोग मोबाइल पे खेल पाए। पार्ट 3 और पार्ट 4 यार काफी मुश्किल रहा क्योंकि उसमें हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए इस गेम में और उसके साथ साथ यार इस गेम की यार लुक ही पूरी चेंज हो चुकी थी। और अब बारी है पार्ट 5 की। इस बार हमने इस गेम में बहुत सी नई चीजें ऐड की है। चलो यार तुम और हम मिलके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सीन में स्लाइम मॉन्स्टर को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इसको इम्पोर्ट करने के बाद इसमें BFX पार्टिकल्स को ऐड कर देता हूँ। इन सबको ऐड करने के बाद फिर मैं अपने स्लाइम मॉन्स्टर की रिग को जनरेट कर लेता हूँ। इस सबको जनरेट करने के बाद क्योंकि मुझे इसकी एनिमेशन चाहिए इसलिए इसकी मैं एनिमेशन बनाना शुरू कर देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं एक एनिमेटर को क्रिएट करता हूँ और उसमें एनिमेशन को ऐड करना शुरू कर देता हूँ, जैसे कि जंप और वॉक की। इन दोनों की एनिमेशन को ऐड करने के बाद फाइनली जो हमारे स्लाइम थी वो एनिमेट होना शुरू हो जाती है। अब बारी थी इसके लिए एक बेसिक सा अटैक सिस्टम बनाने की। इसके लिए मैं कोडिंग करना शुरू कर देता हूँ। कुछ समय तक कोडिंग करने के बाद फाइनली हमारा बेसिक सा स्लाइम मॉन्स्टर बनके रेडी था। अपने स्लाइम मॉन्स्टर को बनाने के बाद यार फिर मैं एक नया सीन को क्रिएट कर लेता हूँ। सीन को क्रिएट करने के बाद फिर उसमें अपने मैप को बनाना शुरू कर देता हूँ। धीरे धीरे से मैं अपने मैप को बनाता जाता हूँ। जैसे ही हमारा मैप बनके तैयार हो जाता है फिर जो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं जो पत्थर को तोड़ने और लकड़ी को चॉप करने पे आ रहे थे यार फिर मैं उन्हें चेंज कर देता हूँ क्योंकि पहले वाले इफेक्ट यार बिल्कुल ही प्लेन थे। और मैंने इसके करैक्टर को भी चेंज कर दिया है क्योंकि जो पहले वाला करैक्टर था वो बच्चे के जैसे लग रहा था। अगर तुम लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो देख क्या रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियो को देखने के लिए। और इस बार के मैप में यार पानी भी होने वाला है इसलिए मैं वाटर शेडर को एडिट करना शुरू कर देता हूँ। वाटर शेडर को एडिट करने के बाद यार फाइनली फिर इसके लिए यार एक स्विमिंग का सिस्टम बनाना शुरू कर देता हूँ। और फाइनली यार हमारा स्विमिंग सिस्टम अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है। कुछ हद तक भाई ये फीचर है। और यार इस बार इसमें हमने बिल्डिंग सिस्टम को भी अपडेट किया है और ये वाला अपडेटेड बिल्डिंग सिस्टम हमें मिला है इनसे। भाई ये हमारे डिस्कॉर्ड के एक मेंबर है। अगर तुम लोग भी डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक यार मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम लोग उसे क्लिक करो और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो। और बिल्डिंग सिस्टम को अपडेट करने के बाद और अपनी गेम में ऐड करने के बाद यार ये वाला जो नया वाला बिल्डिंग सिस्टम है यार बड़े अच्छे से वर्क कर रहा था और बिल्डिंग बनाने में अब गेम में और ज्यादा मजा आने लगा। फिर मैं इसके एनिमीज पे काम करना शुरू कर देता हूँ, उनकी हेल्थ पर बनाता हूँ और उनपे उनकी इमेज भी लगा देता हूँ और उन्हें उनका अच्छा सा नाम भी दे देता हूँ। इसमें काफी सारे एनिमीज होने वाले हैं जिन्हें तुम पकड़ोगे और अपना फ्रेंड बना सकते हो भाई, इसलिए ध्यान से किसी को भी अप्रोच करोगे भाई ध्यान से करना भाई, वो पीछा नहीं छोड़ेगा एक बार तंग किया तो। इस गेम के बेसिक से एनिमी बनाने के बाद अब बारी थी इसके लिए बॉस को बनाने की, जिसके लिए मैं स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। बॉस को बनाने के बाद यार इसमें एक अच्छा सा कासल बना देता हूँ जहाँ पे बॉस होगा। तुम्हें इस मैप में उस कासल को ढूंढना होगा। वैसे तो बहुत बड़ा है, दूर से दिख जाएगा लेकिन फिर भी तुम्हें ढूंढना पड़ सकता है। और इस बार का बॉस पिछले बार से ज्यादा डेंजरस होने वाला है तो ध्यान से बिना अमीगो लिए बॉस को अप्रोच मत करना, नहीं तो कासल से बाहर नहीं आ पाओगे। फिर लास्ट में बनाता हूँ मैं इसका मेन मेन्यू, फिर जिसमें मैं बटन से ऐड करता हूँ, एक पिक्चर ऐड करता हूँ और उनके लिए स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। कुछ फंक्शंस बनाता हूँ जैसे प्ले बटन दबाने पे गेम प्ले होगी और कंटिन्यू पे कंटिन्यू और क्विट पे क्विट। और इसके बाद और जैसे ही मैं लाइटनिंग बे करता हूँ और मुझे ये दिखाता भाई भाई बेट करने की भी कोई हद होती है, ये तो एक ही बार 14 साल पार। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और भाई टी पे पोस्ट किया क्योंकि कोई सलूशन मिले और यहाँ पे अलग से मीम बन रहा है भाई, अब अगले जन्म में ही खेलूंगा। और एक तो कह रहा भाई सबर का फल मीठा होता भाई, इतना मीठा। और लाइटनिंग ब्रेक ना होने के कारण यही वजह है ये ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाई, इसी के कारण यार गेम अभी थोड़ी लैगी हो सकती है। हम लोग कोशिश करेंगे भाई जितनी जल्दी हो सके इसको ऑप्टिमाइज और करने की। भाई
इस गेम का लिंक तुम्हें मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से तुम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। और मुझे बताना कि इसमें और कौन कौन से बग है, और उसे भी तुम लोग डिस्कॉर्ड पे आके रिपोर्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।